लाहौर प्रेस क्लब में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमा तनवीर अशरफ कायरा ने कहा है कि जब उन्होंने साल 2008 में वजीर खजाना का हलफ उठाया तो पंजाब के खजाने में 7.2 अरब रुपए फाजल थे, लेकिन जून 2009 में पहले माली साल के आखिर में ही 42 अरब रुपए के खसारे का सामना करना पड़ा। उनका कहना था कि वजीर अला पंजाब के गलत मनसूबों की वजह से इस वक्त पंजाब को 88 अरब रुपए के खसारे का सामना है, जबकि सूबे के कर्जों का हजम 440 अरब रुपए हो गया है। सस्ती रोटी स्कीम जो है एक पॉपुलर पॉलिटिक्स के लिए शुरू किया गया, वो प्रोग्राम शुरू किया गया था मुस्लिम लीग नवाज के जो वर्कर्स हैं, जो कारकुन हैं, उनको नवाजने के लिए उनको तंदूर दिए गए, और मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़ रखने वाले जो फ्लोर मिल के मालिक थे उनको आटे के कोटे दिए गए, और बिल आखिर सारा पैसा जो है सस्ती रोटी का जो कि अरबों रुपये में है और वो गरीब आवाम का पैसा है, ये वज़ीर आला साहब का पैसा नहीं है, ये गरीब आवाम का पैसा है जिसको इस तरह बेदरेक ज़ाया किया गया। तनवीर अशरफ कायरा का कहना था कि मियां शहबाज शरीफ अकलियत के वज़ीर आला है, उनके पास अब अक्सरियत नहीं रही और वो लोटों का सहारा ले रहे हैं जिन्हें पंजाब की आवाम के पैसों से खरीदा गया है। उन्होंने वाजे किया कि पंजाब में टैक्स की वसूलियों की मद में 25 अरब और 8 करोड़ रुपए की कमी हुई है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के 10 करप्ट महकमों में से 8 महकमे सूबा पंजाब के तहत हैं।